जैक, ये एक वर्ड या औजार ही नहीं है। इमरजेंसी में आपका दोस्त आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन आपका जैक आपकी सहायता जरूर करता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जब आप फुर्सत में हो, जब आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा टाइम जैक के लिए निकाले और उसका रख रखाव करें। तो जैक में कौन सा इंजन ऑयल डाले और कैसे डाले, किस लेवल तक डाले, जैक अगर हवा ले गया है तो उसको कैसे निकाले, इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैक में कौन सा इंजन ऑयल डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, किस लेवल तक डालना है, कितना जैक का मूवमेंट होना चाहिए, कितना बाहर आना चाहिए, और अगर उतना नहीं आ रहा है तो क्या करें और कैसे इन समस्याओं का समाधान करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैक कितनी तरह के होते हैं। जैक मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल और दूसरे होते हैं हाइड्रोलिक जैक। मैकेनिकल जैक कुछ इस तरह के देखने में होते हैं और हाइड्रोलिक जैक कुछ इस तरह के देखने में आपको दिखते हैं। मैकेनिकल जैक जो है वो आपकी कार में आजकल जनरली यूज होते हैं और पहले ये ट्रकों वगैरह में यूज होते थे। मैकेनिकल जैक का रख रखाव करना बहुत ही आसान होता है। मैकेनिकल जैक में मैकेनिज्म ये होता है कि आप किसी रोड से उसको चूड़ी को ऐसे चढ़ाते हैं और उसका मूवमेंट ऊपर होता है, ये होता है इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल जैक का रख रखाव कैसे करें। मैकेनिकल जैक का रख रखाव बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको जैक को पूरा ऊपर कर लेना है, पूरा जैक को खोल लेना है, मूवमेंट करके स्क्रू इन करके जैक को पूरा ऊपर कर लेना है, और जैक की जो चूड़ी है, जो थ्रेड है, उन पे आपको कोई भी जनरल पर्पज ग्रीस उन पे लगा देना है। लगा के आप जैक को नॉर्मल कंडीशन में डाउन करिए और जैक को एक पोलिथीन में लपेट के रख दीजिए। अब आपका जैक आपकी इमरजेंसी में सहायता करने के लिए एकदम तैयार है। अब आपको उसको साल भर या 6 महीने देखने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक जैक की। हाइड्रोलिक जैक का रख रखाव कैसे करें। हाइड्रोलिक जैक का मैकेनिज्म ये होता है कि आप ऐसे ऐसे पंप करते हैं तो हाइड्रोलिक फ्लूड जो है आपके पिस्टन को ऊपर मूव करता है और उसका मूवमेंट होता है। हाइड्रोलिक जैक में क्या क्या चीजें चेक करें, सबसे पहले आप हाइड्रोलिक जैक का जो पूरा मूवमेंट है फुल, कितना वो खुल रहा है वो आपको चेक करना होता है, वो करीब 6 इंच के आसपास होता है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके जैक का ऑयल कितना है वो आपको चेक करना होता है, कहीं वो कम तो नहीं हो गया, कहीं वो लीक तो नहीं कर रहा, कम हो गया तो आपको वो चेंज करना होता है। चेंज कैसे करें ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा, किस लेवल तक उसको भरे, उसमें कोई लेवल तो होता नहीं है कि कहाँ तक उसको भरे, वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपका जैक हवा ले गया है, जैसे इंजन हवा लेता है, तो उसको कैसे निकालना है हवा को, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैक का मूवमेंट कैसे होता है। सबसे पहले जैक को फ्री करके और पंप कीजिए और फुल देखिए जैक का मूवमेंट कितना होता है। अगर वो मान लो 6 इंच का होता है, अब जैक को आप लोड पे लगाइए, कार या गाड़ी के नीचे जैक को लगाइए और उसको उठाने की कोशिश कीजिए। अगर उसका मूवमेंट पहले 6 इंच था और अब 2 इंच ही हो रहा है या 3 इंच ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो जैक है उसमें ऑयल कम है, क्योंकि फ्री में तो हवा से ऊपर उठ जा रहा था, हवा के प्रेशर से, लेकिन अब वो इतना ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो अब बात आती है कि जैक का जो ये ऑयल है ये कैसे चेंज करें और कौन सा इसमें ऑयल डालें। जब आप लोकल मार्केट में खरीदने जाएंगे तो जैक के ऑयल के नाम से आपको कोई ऑयल नहीं मिलेगा, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। और हाइड्रोलिक ऑयल के नाम से भी आप अगर लोकल मार्केट में जाएंगे तो शायद आपको ना मिले। तो आपको कैसे खरीदना है, आप दुकान पर जाके बोलिए कि मुझे ब्रेक फ्लूड, ब्रेक में डलने वाला ऑयल दे दीजिए, तो आपको वो ऑयल आपको मिल जाएगा। 100 ml या 200 ml जितने की आपको आवश्यकता है उतना ही आप ले लीजिए। ये ऑयल जो ब्रेक फ्लूड वाला ऑयल है ये हाइड्रोलिक ऑयल ही होता है और यही ऑयल आपके जैक में डलता है। अब बात आती है कि कैसे ऑयल आप अपने जैक में चेंज करें। तो इसके लिए देखिए, आपको जैक के बीच में एक रबर की सील डार्ट जैसी दिख रही होगी, ये थोड़ा टाइट हो सकती है, इसको आप पकड़ के खींच लीजिए। अब आप अपने जैक में पंप कीजिए, पूरा उसको पूरा फुल बाहर आने दीजिए, और बाहर आने के बाद आप ये जो डार्ट होती है इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको खोल दीजिए, और ऊपर से जब आप दबाएंगे तो सारा जो ऑयल है वो आपका बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको साफ करना है। साफ करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे डीजल, तो डीजल आप ले लीजिए थोड़ा सा, और जो इंजेक्शन होता है इंजेक्शन में डीजल भर के और इसी छेद से जिसमें डार्ट लगी थी रबर की, इसी छेद से आप इंजेक्शन भर भर के इसमें जैक में वो तब तक डीजल डालिए जब तक कि इस होल से, ये जो डार्ट वाला होल है इससे डीजल बाहर ना आने लगे। फिर आपको क्या करना है, पंप करना है और इसको पूरा बाहर करना है पिस्टन को। पिस्टन पूरा बाहर होने के बाद फिर से आप दबाएंगे तो सारा डीजल आपका बाहर आ जाएगा इसी होल से।
तो इस तरह से आपका जो अंदर जितना भी कचरा होगा या डस्ट के पार्टिकल होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे। अब आपका जैक में ऑयल भरने के लिए एकदम तैयार है। अब आपको क्या करना है, जो ये ब्रेक फ्लूड वाला जो ऑयल आप लेके आए हो, इसको आप इंजेक्शन से भर भर के या किसी पतले पाइप से या फनल से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, वो आपको इसी होल से, डार्ट वाले होल से इंजेक्शन भर भर के इसमें भर देना है। और ध्यान रखें कि जब आप ऑयल भरते हो तो जैक को सीधा रखें, सीधा खड़ा करके लेटा के, सीधा खड़ा करके भरे, लेटा के हम ना भरे। जब सीधा खड़ा करके आपको तब तक भरना है जब तक कि इसी होल से, डार्ट वाला जो होल है जिससे आप भर रहे हो, इससे वो ऑयल जो है वो बाहर ना आने लगे। जैसे ही वो बाहर आने लगता है तो आपको क्या करना है, फिर पंप करके अपने पिस्टन को जो है पूरा बाहर निकालना है इसको ऊपर, और फिर आपको ये डार्ट लगा देनी है यहाँ पे। डार्ट लगाने के बाद ये बाहर नहीं आएगा, अब आपको ऊपर से दबा देना है पिस्टन को। अब आपको पिस्टन को ऊपर से दबा देना है और फिर से आपको डार्ट निकालनी है, और फिर से आपको दो चार जितने भी इंजेक्शन जाते हैं फिर से आपको इसमें तब तक डालना है जब तक कि ये बाहर ना आने लगे। और जैसे ये बाहर आने लगता है अब आपको डार्ट, रबर की जो डार्ट है ये लगा देनी है, और फिर से आपको पंप करके जैक का पूरा मूवमेंट एक बार चेक कर लेना है। और इसी के साथ में जो आपका ऑयल चेंज का जो काम है वो पूरा होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो व्यू है, रिएक्शन है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।